नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आज दिल्ली पुलिस में पूछे गए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक देखते रहिए हमारा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लोएस्ट फोर डिजिट नंबर विच डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, 4 एंड 6 लिव्स रिमाइंडर 1। हमसे बोल रखा है कि चार अंकों की आप सबसे छोटी ऐसी संख्या निकालो जिसे कि अगर आप 1, 2, 3, 4 एंड 6 से डिवाइड करो तो आपको हमेशा रिमाइंडर 1 ही बचे। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप 1, 2, 3, 4 एंड 6 का एलसीएम निकालो। तो 1, 2, 3, 4 एंड 6 का एलसीएम निकालने के लिए तो हमने सबसे पहले 2 से किया, तो 1, 1, 3, 2 एंड आपका हो गया 3। फिर आपको 3 से कर लेने हैं, तो 1, 1, 1, 2 एंड 1, तो 3 2 6 2 12 आ गया एलसीएम। अब हमें इसका मतलब क्या हो गया कि आपको चार अंकों की वह सबसे छोटी संख्या निकाले जिसे कि 12 से डिवाइड करें तो हमारा 1 रिमाइंडर बच गया। तो आप सबसे पहले इसे 12 से क्या करो कि सबसे चार अंकों की छोटी संख्या को डिवाइड कर लो। तो 12 8 96 किया तो 6 4 10 हो गया, फिर 0 तो 12 3 36 हो गया, तो ये हमारा आ गया 4। तो यहाँ से सबसे पहले हम ये निकाल लेंगे कि चार अंकों की वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 1000 प्लस 12 माइनस 4, तो ये हमारा हो गया कितना, 1008। अब आपसे बोल रखा है कि हमें वो संख्या निकालना है जो कि एक रिमाइंडर दे। तो अगर 1008 12 से डिविजिबल है तो अगर हम एक रिमाइंडर की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। अब आप 1009 को डिवाइड करोगे 12 से तो आपका एक ही रिमाइंडर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही सिंपल है, आपका सम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे सम पूछ रहा है किसका, आपको दे रखा है क्वेश्चन, मैं आपको फ्रेशली लिख देती हूँ। आपको दे के रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ...++20 / 7 का वैल्यू क्या होगा। तो हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम क्या 1 से लेके 20 तक डिवाइड करेंगे, तो नहीं। आपको पता होगा 1 से लेके अगर 2 इस तरीके से सीरीज जाता है n नंबर्स तक, इसका हमारा फॉर्मूला होता है n(n+1/2)। तो आपको इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देने हैं, तो हमने किया, तो ये आपका यहाँ पे n क्या हो गया, तो 20, तो 20(20+1/2) डिवाइडेड बाई आपका 7 है, तो ये हमारा हो गया 20(21)/7(2)। इसे किया 3 टाइम्स हो गया, इसे किया तो 10 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया 30। ये थे आपके 2 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चंस थे जिसे हमें डाटा एग्जैक्ट नहीं मिले पाए। अगर आपके पास डाटा एग्जैक्ट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। आपका एक क्वेश्चन दे रखा था, आपसे पूछ रहा था सीपी और आपको एमआरपी भी डिनोट कर रखा था, प्रॉफिट भी दे रखा था और डिस्काउंट भी दे रखा था। तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना होगा, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो आप, बिकॉज हमारे पास तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो हमने माना कि हमारे पास एमआरपी 100 दे रखा था, प्रॉफिट 25% दे रखा था, डिस्काउंट 10% दे रखा था। तो आपको यहाँ से क्या करना है कि आप एमआरपी से इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो कि अगर 10% डिस्काउंट दिया एमआरपी पे तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ से सबसे पहले इसके सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, तो 100 × 90/100, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 90। अब 90 पे आपका अगर 25% प्रॉफिट पे हमारा निकालना होगा तो सीपी कितना होगा, तो 90 × 100/125, तो 25 × 100 = 25, 25 × 1 = 18, 18 × 90, तो हमारा आ जाएगा 72 रुपये, क्रैमूल हो जाएगा। तो ये था इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके हो तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक तरीके के और क्वेश्चंस थे आपके, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एवरेज के आपके क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको एवरेज दे रखा था किसका, तो 11 स्टूडेंट और एक टीचर का आपको एवरेज दे रखा था। क्या दे रखा था ये हमें नहीं मालूम है, शायद 50 दे रखा था। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा था कि फर्स्ट 5 जो वाई है हमारे पास, फर्स्ट 5 वाइज का भी एवरेज दे रखा था, गिवन था, और आपको लास्ट 6 का भी एवरेज गिवन था, लास्ट 6 वाइज का भी गिवन था। आपसे पूछ रहा था कि टीचर का हमारा क्या हो जाएगा एज, तो हम टीचर का एज कहाँ से निकालेंगे, हमें फर्स्ट 5 का तो एज वाइज का एज मालूम है, लास्ट 6 का भी मालूम है, तो यहाँ से हम टोटल वाइज का एज निकाल के यहाँ से टोटल 12 का 15 × 12 करके उसमें टीचर की उसमें सारे का एज घटा देंगे तो हमारा टीचर का एज आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपके एग्जाम आज हो या फिर आने वाले टाइम से हो तो आप क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिए। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।